राम राम दर्शक बिला अपने कोई न स्वागत बा मैं उर्मिला गमवा थारू गीत संगीत के बाटना कला से थार समुदाय और जनक तुलना में और समुदाय के तुलना में चाहे दिन से आगे देखा पड़ता हमरा सकार का दोपहर का व संध्या का कना हो व महीना में वर्ष में हर एक दिन के दिन में फिर तीन चार जो मौसम अनुसार के गीत संगीत रहट मुखाग्र रह उ मुखाग्र चाहे शब्दकरण व शब्द संकलन करना काम चाहे जारी नहीं बा इ जारी रहल पहले तुलना में आबक तुलना में हेरना हो कला से बहुत फरक देखा पड़ बा और दिन से प्रगति फिर हुई देखा पड़ल बा हमारे गीत संगीत के बात करे बाटे आज हमारे पहुना के रूप में आज हमारा संग आशाकल बाट चर्चित गायक मॉडल रचनाकार के कफे हमारे चिन्ह थी रोशन रट गए हैं रोशन रट गए हैं निचिन्ह थर समुदाय में शायद कमे मने हुए हैं कार्यक्रम में स्वागत बा रोशन जी अपने को है ना धन्यवाद दर्शक श्रोता हमकन म गायक रोशन रगियाको तर्फ से सुकुजन राम राम कह चाहटु ओ इन्डिजिनियस टेलिभिजन चलिगो चाली प्रोग्राम के सम्पूर्ण युनिट हन आज मैले निमन्त्रणा गर्लक म धन्यवाद दिए चाहटु हाम्रा गीत संगीत के अपना गायक फेभरेटी गीत संगीत के बाट मै निकार तर्नु हरेक मौसम म हाम्रा कथि के हामा थारु समुदाय वस्तफे धन्यवाद संस्कृति म धनी रहल जाति में फिर हम गंजी थे हम शुरुआत नहीं शायद गीत मसे कर भी तो मजा है जस्ट लागल मैं चाहिए एकदम धन्यवाद उर्मिला जी वास्तव में हम थारू समुदाय अपना कहल जस्त थारू मिन ढेर गीत बाँस बाकी है उतरा धनी बाकी हम समुदाय हम बारह मासे बारह महीना विभिन्न मौसम अनुसार उफे वाक भीतर फे हम विभिन्न चाड़ पर्व अनुसार अम वहाँ भीतर हेरबी कल से समय अनुसार है बिना ख गैना भिनसार ख गैना दिन खे गैना अथवा राति गैना विभिन्न किसिम के गीत बा तो अब हमारे लव कलाकार हर अमोटा न्याय दिए निशक्ले हुई उस संपूर्ण गीत संगीत म तर जे होस् हमारा ये संस्कृति में थारू समुदाय धन्यवादिकना हमारे संपूर्ण कलाकार हमको थारू कलाकार हमको महसूस कर रहा थी शुरुआत है हमारा अपने घर का आवाज सुनने का एकदम म एकदमै पुरान गीत हो तर यहाँ हाम्रो डान्से रिमेक कारखाना बनाइल बाटी आदरणीय दाजु सुशील चौधरी के रचना ओ सङ्गीतमा मै ओ समीक्षा चौधरी गार्खली रिमेक कारखाना बराबरा मुर्गा मै ऊ गीत छे सम्पूर्ण दर्शक हुन्कन मै सुरुवात गर्न चाहन्छु दुईलाई अरे मरनाथ मरनु मै बरा बरा मुर्गा अरे मरना त मरनु मै बरा बरा मुर्गा खाई बेर टनोन मिर्च चटनी खाई बेर टनोन मिर्च चटनी खाई बेर टनोन मिर्च चटनी अरे पकैना त पकैनु मै तेलहर तेलहर रोटी अरे पकैना त पकैनु मै तेलहर तेलहर रोटी खाई बेर त उहो फुसर ढिकरी खाई बेर त उहो फुसर ढिकरी खाई बेर त उहो फुसर ढिकरी धन्यवाद अपने गण के जुन करियर के बाट ना होकल से शायद ये गीत मसे अपना होकर बहुत दर्शक कविल हम को शायद चिन्हल देखा पड़ल हाँ जरूर फे अभी खास म पुरान गीत रह है ना पुरान गीत मना चाहे रिमिक कर चाहे रिमिक कर खाना मेरे प्रस्ताव भरली सुशील दास जो है ना वहाँ सहजे हमन स्वीकार ले दूसरा मैं गणेश चौधरी की अरेंजमेंट में गीत बनल ये गीत मसे जो सब रोशन रत गया कोई खाना संपूर्ण दर्शक स्रोत हमको माया कर देला ये गीत मसे अम भरी कर देला कह पर वहाँ को एकदम धेर से धेर धन्यवाद आभारी हमारा प्रकट कर चाहती मैं व्यक्तिगत तरफ से विशेष गरी मैं एकदम आभार प्रकट कर चाहती अस्त माया इन आदि में फिकर दें कन आशा बा पक्का फिकर है अच्छा जैसे हमारा गीत संगीत के बाद टिटी कल से अपना करियर के बाद ना कल से साथ कई साल से अपने स्टार्ट कर ली वा शुरुआत के बाट ना होल से कहिया से स्टार्ट कर ली कहिया से अपने को रुचि जगलस गीत आप चाहे मैं गीत संगीत में लाग पड़ल जस्ते हमारा कना होल से थारू समुदाय में गीत नस्ते ढेर बा उ गीत हमसे संकलन चाहे कसी कर जाए करना चाहे अब धीरे धीरे हुईटी बा कहिया से रुचि जागल अपने खास कह के महीना खास कना होल से
एराउन्ड 68 साल यसै म औपचारिक रूपमा चाहिँ साङ्गीतिक यात्रा सुरु हुई 2068 सालमा कलेजले लगभग 8-9 वर्ष हुई उसै आगा फेरि रुचिको नामले चाहिँ म एकदम स्कुल लेभलमा चाहिँ छोटिएसे एक दुई क्लास पढ्न बेलासे लेख स्कुलमा फेरि म क्लासमा गइनँ अथवा कुनो स्कुलको फङ्सनमा गइनँ ओसिकहरू ओ एक गाउँको इन्भाइरोमेन्ट जुन हाम्रो माघमा नसनाथ दसैँ मन्द्रा बजिनाथ ऊ वातावरणले फेरि बहुत महिना चाहिँ सङ्गीतप्रति बढी झुकाव बढाइल कह परल होइन म ऊ बेला फेरि एक मन्दरियाकी रूपमा गाउँमा रहनु होइन आफ्नो टिममा मन्द्रा बजिना उहाँको नचेनाकहरू गीत गिना रुचि पहिला सेटल छ औपचारिक रूपमा 68 सालमा म सुरुवात गरेँ जस्तै आफ्नो गरेको गीतमा चाहिँ कसरी देखा पर्ल चाहिँ पुरान गीत सङ्कलन गरेर देख परल आफ्नो शब्द सङ्कलन गर्थे कि आफ्नो लिखी कि खास गरेको ऊ गीत चाहिँ कसैको कर्ल बाटे आफ्नो म दुई किसिमकै भए म पुरान गीत फे जस्तो विभिन्न गाउँठाउँमा जाएको उहाँको नै भाका सुनको फे सङ्कलन गर्न प्रयास गर्ल बाटु ओ ल आधुनिक खालके गीत फे म बढी गइथु यहाँको दर्शक पक्क फे उहाँको के अरे अरू गीत फे उहाँको सुनल हुँ कसले चाहिँ उहाँको ठाँ बसाएको हुँ यी दुई किसिमका गीत काजे कि एकठो त हाम्रो संस्कृति बचेना फे भा अभियान हाम्रो कलाकार हुँ फे ऊ अभियान चाहिँ चलाइपर्न जरुरी भए अरू चाहिँ हाम्रो डान्से सङ्गीत होइन कुछ उपर लैजिना एकठो लेभलमा लैजिना फे हाम्रा जिम्मेवारी हो कि जसिन लागत महिना उर्मिलाजी ओर चाहिँ यी दुई किसिमकै भए ओ अखिन चाहिँ रिसेन्टली अलिक बेसी कल्चरप्रति म फेरि एकदम झुकाव भएको अरू व्यक्तिगत रूपमा पुरान गीत अत्र ध्यार भयो कि अब हेर्न हो कसले चाहिँ नसे ध्यार भयो उहीँ सङ्कलन गर्न कि काम बा जस्तो लाग्यो सङ्कलन गर्ल चाहिँ आभिन वगर संरक्षण सम्वर्धन गर्न चाहिँ हाम्रो दायित्व भयो जिम्मेवारी भयो सङ्कलन गर्न चाहिँ कत्र के जरुरी भयो जस्तो लाग्यो पुरान गीत चाहिँ पुरान गीत सङ्कलन गर्न कि लौ बनिन होइन यो त एकदम जरुरी भयो हाम्रा पुरान लय पुरान शब्द म अत्र एकठो दम बाँकी ऊ म अत्र पावर बाँकी होइन वास्तवमा हाम्रा पुर्खा हुँ बहुत बहुत मेहनत गर्खन उचिझन बनाएर रख्ल उचिझन अत्र चाहिँ फेरि हाम्रो आफ्नो गीत सङ्गीतमा ढर्खन हाम्रो गीत बनाइलिएको लसे हाम्रा गीत उस्तै फेरि रिच हुँ एकदमै हाम्रा गीत उस्तै फेरि सम्पूर्ण दर्शक हुँ मन परिसक्ने अवस्था रहेछ म विचारमा ओ लोकगीत त अवश्य हाम्रो बनाइपर्न काजे जरुरी भएको छ हाम्रा पुरान गीतमा एक प्रकारकै ऐतिहासिक एक प्रकारकै हाम्रा सांस्कृतिक पाटो जोरगिल बा हाम्रा पुर्खनके हरेक कुरा जोरगिल बा पुरान गीत बास तर लौ चिजमा प्रवेश फेरि काज गर्न जरुरी भएको लसे लौ सङ्गीत हुन चाहिँ हाम्रो बुझ खन जस्तो शास्त्रीय हुल अथवा विभिन्न बाहिर पश्चिमेली संस्कृतिकै जस्तो पप सङ्गीत रक सङ्गीत हुल ज्याज म्युजिक हुल ऊ फेरि सिक्न काज जरुरी भएको चाहिँ हाम्रा थारू समुदायकै सङ्गीतकर्मी हुँदा फेरि कम्पिटिसनमा जाइ परल नि विश्वभरि के मनेन प्रभाव पारिसकेको पर्ल अथवा हाम्रो फेरि सेक्ठीकन एकठो उसो फेरि गरिसकेको पर्ल जस्तो लाग्यो तर मेन चाहिँ थारू बेसमा रखन काम गरे भए हाम्रो चाहिँ आनन्द रहेछ एकदमै आफ्नो घर बार सुने भेट त पुरान गीत चाहिँ हाम्रो छोर्क म पाइला टेक आघनी भरबेको लसे मजा नि आयो अब सुकुर पनि सुन मिलिकन जस्तै आफ्नो गीत सङ्गीतकै बाट जस्तै सिक्न बाट बटिलियो अब ऊ सिक्न कत्राकै जरुरी भयो जस्तो लाग्छ सांस्कृतिक जुन शास्त्रीय सङ्गीत रह ऊ सङ्गीत चाहिँ हाम्रा थारू समुदायमा चाहिँ जुन गायक गायिका हाम्रोबाट अब हाम्रो सिक्न जरुरी भयो जस्तो लाग्छ किन अवश्य जरुरी भयो काजी कि जस्तो हाम्रो पुरान पुरान गीत त एकठो पुरान पुर्खा हुन्छे चोर्ख उहिले सिफे उहाँको डान्से लेख उहिले सिफे गाइसिक्ने तर लौ चिज उत्पादन गर्न चाहना हाम्रो यदि कलाकार हुन्छ चहठी कसले हाम्रो सिक्न जरुरी भयो जस्तो हाम्रो कथेसे ज्ञानसम्म सिक्लासे त बोल सिक्न हो अथवा लिख सिक्न हो होइन हाम्रो सिक्लासे कावि थाल चाहिँ हाम्रो पनि कुछ चिज क्रिएसन चाहिँ गर सिक्थे कुछ लौ मेलोडी अथवा लौ कम्पोज हाम्रो गर सिक्थे सिक्न एकदम जरुरी भयो अखिन धेर थारू समुदायकै युवा हुँ सङ्गीतमा लग्न लागत चाहना हुँ चाहिँ सिक्न म एकदम जरुरी देख्छु ओर्छ मै फे म फेरि सङ्गीतकै विद्यार्थी हुन्छु म फेरि सिक्ती बाटु सबैजना म सिक्न अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदमै आफ्नो सिक्न अनुरोध गर्ले हजुर कति कि सिक्न आवश्यक भयो हाम्रा थारू समुदायकै जुन अब गायक गायिका हुँबाट जत्रा फेरि थारू इन्डस्ट्रीमा लागलबाट हुँदा निसिक्क नै अब बहुत चाहिँ सुन मिल्ल अब के आनक
मसे कपी कै गेल बा चोरी कै गेल बा कना बात सुन सुन मिलत ऊ चीज चाहे निश्चिक चोरी हुईटा के का कारण ले का अपन पर्सनल अपन व्यक्तिगत उजा नहीं होगा खुबी नहीं होगा क्यों से इमा असिन बा उर्मिला जी बस तो मैं विभिन्न खाल के जो ना कि ना थायर समुदाय के गीत संगीत में फिर आए बा चोरी के मेलोडी करना चीज एक तो क्रिएशन है ना मजा से करना टाइम से लग था बस से फिर लो चीज निकला क्ला टाइम लगना हो वो आप अखिन देर गीत संगीत निकलना करो मत दो चार सौ डांस मिलना तो मैं स्वाभाविक फिर मन थू है ना वो निशिखा फिर कहीं ना कहीं प्रभाव चाहे उम्म फिर पारद तर सिखला रहला से फिर जस्तो एक तो संगीतकार सिखल बा एक तो रचनाकार आयल है ना ल म गीत चाहिँ असिन बना दियो अथवा एरेंज गर्न म गीत चाहिँ असिन बना दियो कैखन एक तो अनुरोध आयल कला से उस्ते उस्ते खालके कपी हुई सक मान जाइ सक जी था है ना तर सिखला से कुछ न कुछ हुँ म चाहिँ फरकपन आइसकिकन चाहिँ म फेरि एकदमै अनुरोध हो म पनि फेरि कोसिस करम करना चाहिए मैं एकदम अठोट ले लगा दूँ वो ये जो रिसेंटली था समुदाय में ढेर जो मैं बार बार फिर सुन लूँ है ना मीडिया में फैल चोरी चोरी गीत चोरी हुई लग इसे ही डांस है हमारे एकदम ख्याल से कर पड़ना जरूरी है वो चाहे रचनाकार रहे चाहे संगीतकार एरेंजर चाहे गायक गायिका रहे सब कुछ हिमाचल ध्यान देना विचार करना बात है जैसे आपने कह ली कि आप सही मौसा ही 25 थो फिर चोरी हुई ले आई सकता तो अपना वो बात अपने घर बात सुनना बेहतर सीन लग रहा है कि चोरी हुई ले सिर्फ कोतरा फर्क जाही नहीं पड़े है ना मैं फर्क पड़ा से जैसे कल की चोरी तो हुई तो एकदम ही एक तो शब्द पे फर्क नहीं पार का संगीत पे फर्क नहीं पार का चोर ना तो जाते एक छोटे चोरल देखा गिल बन तो एकदम दोनों फिर चीज है ना जैसे एक तो हम लोग बैठे बैठी कुर्सी एक तो मॉडल की कुर्सी बा तर और कुर्सी और फरक मॉडल के बनाई सको पड़ल बनाई खाजा पड़ल करना चीज हो सेम टू सेम वही ना बनाई नहीं हुई है ना जैसे एक तो हमारा टाइमिंग रहता है म्यूजिक में जैसे बीटिंग बा है ना 2/4 अथवा 4/4 अथवा 6/8 कौन बीट में गीत बनता बीट तो वह रहता तर वो मेलोडी जो मेन चाहिए मेलोडी हो है ना वो मेलोडी में कौन तरीका से हमरे चाहिए वो गीत में संकलन करना मेलोडी है ना कैसे कंपोज करना ये चीज़ मज़े मेन चाहिए ध्यान दिए पड़ता है जिनला जैसे वो संग संग आप रचना की पूरा फिर तो शब्द फिर कतरा मिली ना था है ना जैसे वो बहु एक तो वाक्य जो मिला देना है ना अथवा गीत के आधा पार्ट जो शब्द मिलल बाकी है ना यही मचे ध्यान दिए पड़ता है कि जैसे लगा तब कभी काल जानी जानी नहीं कर अनजान में फिर हिल रहा था सिन जैसे हम लोग सबको खाल की गीत नहीं सुन ले रहे जी है ना जैसे मारे बारे में कल से मैं सबको खाल की हिंदी गीत सबको भोजपुरी गीत सबको नेपाली गीत फिर नहीं सुन लेम कभी काल मैं बने ना करूँ कभी काल वो मिला फिर सह की जैसे लगा तर अपना चाहे सबके समय हम लोग ध्यान देना चाहे जरूरी बा सबके समय गीत संगीत के आप हमारे बार टाइटी कल से जैसे आप चाहे हेरना हो कल से थारुन के गीत अतरा ढेर बाकी पुरान गीत मुखाग्र गायन पहले आप चाहे शब्द संकलन हुई धीरे धीरे अवस्था से ना गिल बाकी और जनक चौर पड़ना चौरना चौर पड़ना अवस्था गिल बा हमारा पुराना चीज संकलन कर लो से मजा हुई जस्त भी देखा पड़ तो वो संकलन निक का अनक चौर मजा देखा पड़ता है यहाँ तो कस का कारण लेके चाहिँ यी चीज हटाक चाहिँ पुरान चीज चाहिँ जुन शब्द बाउ शब्द संकलन कै काग भर्ना कि पुरान चीज चोर्ति रहना हैन अवश्य फे यी जस्तो रेकर्ड हुइला कोनो गीत बा उ गीत के सेम टु सेम चीज हन अनल छ हैन हाम्रो लौ एक ठो बरु ठीक बा हाम्रो रिसर्च के लाग हामा गाउँमा जाखन बुढाल केरे मनिन्छे विशेष गरी ऊ विषयमा गीत बासमा रुचिर लग मानिन्छ पहिला कर्तिर लग मानिन्छ हाम्रो बुझ सिक्थ्यो रिसर्च गर सिक्थ्यो होइन ऊ मेलोडी होइन टिप खान सिक्थ्यो जस्तो म अखिन भर्खर एक ठुकी डाल्नु यहाँ रिकन होइन ऊ पहिलाको मेलोडी हो बिना त होइन तर ऊमा मै का हाम्रो काकरले शब्द अलिक फरक होइन सङ्गीत फेरि केही रूपमा फरक गराइ एक थो ऊ चिज होइन जरुरी बा जस्तो लागत रिसर्च गर्न जरुरी बा तर उहीँ चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्टाइलले होइन कोनो रेकर्ड हिलेको गीतमा चाहिँ ठ्याक्क दुई चार लाइन आँखा ढरल सेफे ऊ चाहिँ अन्ना जरुरी बा जस्तो लागत होइन ऊ कारण ओसी कर्बिकुलस दस्तावेजीकरण फेरि बन्था एकदम एकदम थार समुदायमा चीज अत्रा ढेर बा दस्तावेजीकरण नि देखा पर्था ऊ कारण चाहिँ सबको चीज पुस्ता हस्तान्तरण निकलस ऊ हेरिटेज न अवस्था फेरि आइदा अवश्य अवश्य त मारा ऊ चीज चाहिँ संकलन गरेको ढलस मजा हुन र कना एकदम जरुरी छ अब हाम्रो सिना बाट बटिटी बाटी अब चाहिँ आप
अपनी उगार से खास करके लव पोस्टा चाहिँ का आइटा अब लव दर्शक कविला दर्शक कविला उनको निकला विशेष गरी अखिन चाहिँ एक ठो कल्चरल गीत ए हारी अडियो चाहिँ रिलीज हो सकल बा म अपन रोशन रत गए युट्युब च्यानल से अब ए हारी के भिडियो चाहिँ रिसेंटली आप आइटी बा अब धेर नै लाग्यो एकदमै रिसेंटली हाम्रा झट्टै से झट्टै ऊ भिडियो सुटिङ चाहिँ फाइनल हो सकल बा अब उन पब्लिश गर्न कि बाँकी बा यी चाहिँ म एकदम लगु कोसिली हो एक ठो चाहिँ मगौटा गीत चाहिँ म तयारी गर्दी बाटु अब सम्भव होलसम्म पुस्के लास्ट लास्टसम्म ऊ अरू गीत फेरि रिलीज गर्न म ल पोस्टा बाकला से दिन चाहिँ सुना देबी त हाम्रो अब गीत सङ्गीतके बारबटी त्यो ऊ एक ठो दिन चाहिँ ऊ हाम्रो सङ्कलनके ऊ हिस्सा एक चाहिँ उमर धैक हम चाहिँ एक चाहिँ गीत सुने कसिन ठिक भयो अखिन ए हारी चाहिँ मै सुनै चाहन्छु धेर दर्शक श्रोता हुनु अडियो म सिफ मजा कमेन्ट आइल भयो उहाँको एकदम विशेष धन्यवाद दिए चाहन्छु मै मै दुई लाइन चाहिँ ए हारी के हाम्रा शब्द रचनाकार रमेश रङ्गाली के बा गैना चाहिँ मै समीक्षा दोस्रो फिरु रिता गारकले मै दुई लाइन सुनाइ चाहन्छु ए हारी तू ही न देख न साली हो लगठा मही डर ए हारी तू ही न देख न साली हो लगठा मही डर लपन छपनै जन्ठु साली हो लैजिम आपन घर लपन छपनै जन्ठु साली हो लैजिम आपन घर लपन छपन थ्याङ्क यू यी गीत जुन अब दसैँको उपलक्ष्यमा आफ्नो उप निकट लि एकदमै चलल अडियो रिलिज गरी दसैँमा अब भिडियो चाहिँ माघमा रिलिज गर्न माघ आएको रिलिज गर्न तयारी हुँदै बा यी गीत उदाहरण फेरि देखि सकिया देख्छु कि पुरान गीत हाम्रो सङ्कलन गर्बो कलसे आगो बढत अब दर्शक कविले हाम्रो फेरि मन परिठक नआएको छु उदाहरण फेरि बन्जात जुन 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 हाम्रा कलाकार मित्र हाम्रोबाट जुन हाम्रो गायक गायिका हाम्रोबाट जुन जुन शब्द चोरी कै कारण लठ ऊ शब्द चोरी गर्न भने त एक ठो उदाहरण फेरि बन्ज बन जात नि त्यही गीत हाम्रो मै फेरि सबको 100% मजा काम गरेर सिकुमको नाति नै हो होइन तर हाम्रो कोसिस गरिको नाम सबको लागो परटको नाम हो म फेरि सुकु कलाकार हुँ हाम्रो एक ठो संस्कृति होइन फेरि बचेन तर ऊ गीत होइन संस्कृति बचेन सँगसँग एक ठो बाहिर फेरि पपुलारिटी फेरि अनुसार आनुसिक जाइत अथवा उहाँको सँगसँग हाम्रो उहाँको चाहिँ बजारीकरण फेरि पुरान चिजकै फेरि बजारीकरण गरेर सिक्थिकन उदाहरण फेरि हुसकिकन आशा चाहिँ भाइ गीतमा से जस्तै रोशन चाहिँ हाम्रो बाटबाटै अब गीत सङ्गीतके बाटबाटै नै जीवे कमकाल गीत फे गइने जेबी हाम्रो गीत गइटे हाम्रा जुन समुदायकै बाटबाट नहोकलसे संस्कृतिकै रहन सहन परम्पराकै बाटबाट नहोकलसे अब बहुत त खाले गीत देखा पर्था समय सापेक्ष अनुसार दिनमा फे उफे पानी पर्था डाउरा गीत रठा घाम लठा डाउरा गीत रठा न हा ऊ अनुसारकै चाहिँ जुन यी शब्द सङ्कलनकै हाम्रो बाटबाट लेखलसे यी शब्दमा छनौट गर्न चाहिँ कत्राकै जरुरी भयो जुन लय न लवा पुस्तकबाट ऊ लवा पुस्तकन चाहिँ कसैको शब्द कलेक्सन गर्न जुन शब्द सङ्कलन उठाजे शब्द सङ्कलनमा चाहिँ कत्रा ध्यान दिए पर्यो जस्तो लाग्यो भने हुँदैन अवश्य फेरि अति हामी शब्द सङ्कलन गर्न बेला अब मेन त अब अखिन हाम्रा थारू इन्डस्ट्रीमा त उत्र नै हो जस्तो नेपाली इन्डस्ट्रीकै बात गर्नु त अखिन धेर जस्तो ऱ्यापरहरूको नक विवाद अहिले होइन अथवा एकठो चाडबाडकी गीत निकाल रह हाम्रो एकजना गायक कि उहाँकी बाट अहिले यी शब्द सङ्कलन गर्ने बेला हाम्रो समाजमा का प्रभाव परि होइन ऊ चाहिँ एकदम ख्याल गर पर्न जरुरी भयो शब्द सङ्कलन गर्ने बेला हाम्रो सकेसम्म हाम्रा ठेट भाषा प्रयोग गर्लसे मजा यदि कल्चरल गीत निकाइदि गर्लसे है अब मोडर्न खालको पप गीत निकाइदिएपछि ऊ म इङ्ग्लिस शब्द धर्न अथवा नर्मल्ली ऊ खालके हाम्रो कर सिक्छ काजी कि ऊ लौ सङ्गीत हो होइन तर कल्चरल गीत करभिर चाहिँ एकदमै जरुरी भयो विशेष गरी म चाहिँ आफन एकठो महसुस आफन बुझाइ होइन एकठो कल्चरल गीत गर्न बेला एकदमै हाम्रो बेसी टिपिकल चिज हुन चाहिँ शब्द हुन चाहिँ हाम्रो पुरान पुर्खाउनको शब्द हुन चाहिँ बेलसलस अब मजा भइकन चाहिँ म फेरि एकदम आफ्नो वर्ष चाहिँ बुझाइ ओ र विभिन्न सङ्गीत निक्लिन क्रममा गीतकै प्रकार फेरि हेर्भ ऊ प्रकार अनुसार चाहिँ हाम्रो शब्द चयन गर पर्टको नाम हो मेन त
अपनोले के शब्द बेल्छ कुन तरिकाले सिक्नकना बारबुटी लिएको हो जुन हाम्रो हाम्रो त भाषाके आब चाहिँ हामाथे लिपि फिनि हामा थारु भाषाके जुन हाम्रो आब शब्द संकलनमा ध्यान दिबि कलसे ऐना पुस्तामा लवा पुस्तामा त का असर पर्थेन कइक हाम्रा सायद स्वाच फिनि सिकबे जो बिसिटी जिनाइको डगर फे बन्था इकलक दस्तावेजीकरण जस्तै हो जस्तै रोशन रद्गैया जी कहीं चाहिँ खास कइक जुन ऱ्याप टाइपके गीत मन पर्छन् कि जुन पुरान तरिकाके गीत कसिन गीत खास कइक अपने चाहिँ गइना इच्छा लाग्था मैना म खास अपन बेस चाहिँ म अलिक क्लासिकल म्युजिक हो म विद्यार्थी फेरि शास्त्रीय सङ्गीतको विद्यार्थी हुन्छु म दुई तिन वर्ष म्युजिक क्लास लिन अवसर पनि काठमाडौँ आएको मैं आमा गुरु से मैं तीन वर्ष क्लास लिनु तर यी कसिनबाट चाहिँ मार्केट चाहिँ फरक भएको हैन बाहिर जाइबेर बाहिर जाखन गीत गाइबेर अब सबको खालको गीत फे मनि परिना श्रोता दर्शक हुन्छ श्रोता दर्शक हुन्छ मन पर्ना खालको गीत गाइना क्रममा मै फे एकछो ऱ्याप गाएक कैखन अब कै हुन्छ कठ हैन खासमा ऱ्याप म एकदम भित्री आफन चाहिँ एकदम चाहनाले फे त्यो मार्केटके डिमान्डले कि म ऱ्याप गाएक बन्लको हैन म एकदम आफन चाहिँ जेन्डर चाहिँ म क्लासिकल हो हैन अनि कल्चरल चाहिँ आफन संस्कृति हो उनी बचाइ पठाएको नै हिसाबले कल्चरल गीत फे मै गइची बाटो अब ऱ्याप पप म चाहिँ सँगसँग बाटो होइन हो मेन त आधुनिक गीत हो आधुनिक गीत क्लासिकल गीत चाहिँ म अम मार्केटमा ओट्रा दिए नै सिक्ल हुँ म अब कोसिस अब ऐना दिनमा मै पस्कम कना चाहिँ सोचले बाटो पस्क दर्शक कविला हुँ त अपने कार जस्तै कली कि बराबर काफी मन पारे लट हजुर लव गीत फे था नेपाली गीत फे आफ्नो निकरला हजुर हजुर नेपाली गीत नेपाली गीत फे रुचाइल अवस्था देखा पर्था हजुर जुन अब पुरान गीत संकलन के आफ्नो बनलाटी उ गीत फे नसे मन प्राइल देखा पर्छ हजुर 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 तीन ठो नेपाली फे गइल बाटे थारे फे गइल बाटे पुरान लव हेर्न आउ कलसे खास गरेर नेपाली गीत गाएबेर चाहिँ कसिन खालक अपने कोई समस्या कसिन आइलस और ऊ गीत गाए बेर कसिन दर्शक विलाहकन के प्रतिक्रिया खास कर कसिन रहलन त अवश्य फिर हम थारू मातृभाषा हो बोलती रहने भाषा नेपाली मार्केट में ढेर अब गायक गायिका हुँदा फेरि बाटो उहाँकन से सँगसँगै गीत गाइबेर पक्क फेरि अलिक गाह्रो हो तर म स्टार्टिङ जो नेपाली गीत चाहिँ हो खासमा म 68 सालमा तिमीले मुटु टुक्रा पारे हुनेकन आधुनिक गीत निक्रिनु है अनि वाकपा छ सोल्टिनीको मायाकन जस आउ नाचौँ लगायत म चार पाँच थो नेपाली गीत हुइल्बा अलिक हामा चाहिँ भाषागत रूपमा गएको डान्से शुद्धतामा डान्से पक्क फेरि हाम्रो अलिक हामा आफ्न मातृभाषा थारूले कोर्से फे हुई कमी भा शुद्धतामा त मैले चाहिँ प्रयास कोसिस जारी भा अब दर्शक श्रोताहरूको मन फे परारीले म आउ नाचौँ एराउन्ड 40 लाख भ्युज पुग्रा लखिन 4 मिलियन म एकदम उहाँको धन्यवाद दिन्छु अब नेपाली गीत मन पराइदियो ल होइन थारू समुदायकी गायकहरूलाई सेफे त डान्से थारू अङ्कन चाहिँ नेपाली गइना अलिक अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारो जो भए थो भाषागत हिसाबले आएर गयो गीत सङ्गीतकै अब अप्ठ्यारो भएकोले अपन यस गीत सङ्गीतकै बाबुटाइ हाम्रो चाहिँ खास गरिक पुराण अरू लवकै बाबुटाइटिकल से जुन पुराण तरिकाकै गीत रठा जुन लव तरिकाकै गीत रठा गाईबेर खास गरिक जुन अब जुन लव पुस्ता हुँबाट लव गाय गायिका हुँबाट अत्राठार गीत निक्रा कि अब कोनो फे वाकर गुणात्मक संख्यात्मक हिसाबले ध्यार गुणात्मक रूपमा कम देखा परत अपने किन कसिन लागत अवश्य फेरि रुचि धर्ना विषय एक ठाउँमा भयो अब सब्ज एक ठाउँ सङ्गीतमा रुचि धर्ना खुसी कुरा फेरि हो एक हिसाबले होइन डान्स क्वालिटी देख अथवा होइन साँच्चीकै मजा स्वरलाई कुनै गीत गाइ परल मजा रचना गर्न भने रचना गर परल मजा सङ्गीत गर्न भने सङ्गीत गर परल होइन अब जस्तो मजा एरेन्ज गर्न भने एरेन्ज गर परल ऊ खालके एकठो वातावरण बिस्तारै हुई तर एक हिसाबले पोजिटिभ फे हो झनक चाहिँ म इन्भल्भ होइन थारू गीत सङ्गीतमा गाउँ गाउँमा चाहिँ कलाकार बन्न होइन गायक बन्न मोडेल बन्न पहिला गाउँ गाउँमा कना होला से हिन्दी गीत र नेपाली गीत सुन्न मिला आजकल घर घर गाउँ गाउँ जीव गला से थार गीत सुन्न मिल्था यो नै हो प्रगति प्रगति करा कना खुशी बात हो एकदमै खुशी बात हो आप सँगसँग डान्से क्वालिटी फे हैन अथवा आइ परल कना चाहिँ हो उहिने चाहिँ गुणात्मक हिसाबले फे एक थो स्वर तिखा जाए परल स्वरमा डान्से निखारता आन परल गायक हुँ अब कलम चल्ला भने अम मजा मजा गीत लेख परल उचित चाहिँ अम थारू समुदायमा अम बाँकी बा ऐना दिनमा चाहिँ उहिना जरुरी बा हजुर
रोशनजी अत्रा बेर हमारा संग बार बटे लिए हमारे गीत संगीत के बारे में छलफल फिर कर लिए लव पुराण के बाद शब्द के बाद निकल लिए ये बार बटा एक लाख ना आदिले वाकर लाख अपने कुना धन्यवाद बा एकदम ही माफी हृदय से एकदम धन्यवाद दिए चाहतु मैंने इंडिजिनियस टेलीविजन में चली गोशाली कार्यक्रम में अत्रा सुगर उर्मिला गुमा है ना उर्मिला गुमा था रुझान नमा नौ लागत उन्हें तो माफी रोशन रत गई चौधरी बार ना गिरता है तर एकदम मैं खुशी लगे निमंत्रणा कर ली सबको परिवार मैं टेलीविजन परिवार धन्यवाद दिए चाहतु संपूर्ण दर्शक हुकन फे मैं गायक रोशन रत गई ऐना दिन में फिर माया कर देवी अपने हुकन साथ सपोर्ट माया बिना हमारा चाहे कलाकार आगे बढ़ना एकदम गाह्रो भा और से आजसम जस्ते माया कर दिल भाई इन अम बराख ले जा दीबी करना एकदम मारी दे से एकदम यहाँ से अनुरोध भा एकदम धन्यवाद धन्यवाद दर्शक कबिला आज हमा पहुना के रूप में रहा है चर्चित गायक मॉडल कनाव रचनाकार कला कनाव कला से रोशन रत ज्ञान जी ऐना अठहर कमरा लव व्यक्ति से बार बटुआ बाटी अत्रा बेहर का साथी वाकला अपने धन्यवाद दीटी मैं उर्मिला गमा थारू बिदाई टू राम राम जय गुरु बाबा।